नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी महाराज का 131वां अवतार दिवस। हजारों डेरा समर्थकों ने 150 जरूरतमंद परिवारों को राशन एवं कंबल वितरण व भंडारा कर जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। नोएडा के सेक्टर 63 गांव शहरसी स्थित पंडाल में भव्य भंडारे की नाम चर्चा का आयोजन हुआ। सतेंद्र इंसा प्रोग्राम हुआ है, कहाँ पे हुआ है और क्या प्रोग्राम? ये छजारसी सेक्टर 63 है, श्री राम हॉस्पिटल के बराबर में। क्या प्रोग्राम था ये? हमारा आज भंडारे की नाम चर्चा थी। शहंशाह मस्ताना जी महाराज जो डेरा सच्चा सौदा संस्था के संस्थापक थे, उनका भंडारा मनाया जा रहा है। साथ संगत हर साल खुशियां मनाती है और आज 135 मानवता भलाई के जो कार्य साथ संगत पूजनीय हजूर पिताजी के आह्वान पर जो साथ संगत कार्य करती है, उसी के तहत 130 कंबल गरीब परिवारों में वितरित किए गए हैं और 20 परिवारों को राशन दिया गया है। लगभग यहाँ जो आज साथ संगत की तादाद थी, वैसे तो साथ संगत की तादाद को की कोई गिनती नहीं थी आज, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा साथ संगत आज आई थी। हमने आइडिया लगाया था कि लगभग 3-4 हज़ार साथ संगत आएगी, लेकिन लगभग यहाँ से लेकर रोड तक साथ संगत का जमावड़ा लगा हुआ था और लगभग जो यहाँ जो गिनती करने वाले सेवादार हैं उन्होंने 8,000 से प्लस साथ संगत का आंकड़ा दिया है कि आज नाम चर्चा में भंडारे की आज साथ संगत 8,000 से कहीं अधिक आई है। देखो जी, अंदर और बाहर तो दुनिया के लिए है। हमारा सतगुर कल भी हमारे साथ था, आज भी है और हमेशा रहेगा है। हमारे लिए तो वो सुनारिया धाम है जो इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उस कानून व्यवस्था को सिस्टम में लाने के लिए, उस सिस्टम को सही करने के लिए हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा सदगुरु वहाँ बैठ के और काम कर रहा है। जी, मेरे तो एक चंदागर इंसान। अभी कोरोना काल गया है जी, अभी गया भी नहीं है जी, कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़। प्रोटोकॉल को किस तरीके से आप देखते हैं? प्रोटोकॉल तो मानना चाहिए, लेकिन एक आस्था का प्रश्न है और आस्था के सामने प्रोटोकॉल भी कम पड़ जाता है। वैसे तो फॉलो करते हैं हम प्रोटोकॉल को, डिस्टेंसिंग को भी और सैनिटाइजिंग को भी, लेकिन एक आस्था का जब सवाल आता है तो प्रेम इतना उमड़ता कि वो प्रोटोकॉल थोड़ा धूमिल हो जाता है उसमें। 120 लोगों के लिए हैं, 130 लोगों के कंबल और 20 लोगों के लिए 20 लोगों के लिए एक महीने का राशन, जिसे हम एक महीने एक दिन हफ्ता में व्रत रख कर बचाते हैं। वो संगत अपने गुरुजी की पावन प्रेरणा से उन गरीब बेसहारों को मदद करते हैं। आज के युवा पीढ़ी में ये जो आध्यात्मिकता है वो दूर होती चली जा रही है, उस को लेके आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के तो लिए अपने हुजूर गुरु पिताजी ही युवाओं को सुधारने के लिए ही ये सारे मानवता भलाई के विकारों से दूर रहें, नशों से दूर रहें, बदचलनी से दूर रहें, वो हमारे गुरुजी ने ऑलरेडी संदेश दिए हुए हैं और उन पे अब ये भी एक खुशी की बात है। हमारी जितनी संगत है 6 करोड़, उनमें ज़्यादा 70% लगभग युवा हैं, युवा सुधर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए एक अच्छा संकेत है।